हेलो, वेलकम टू कैच 25 साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट और कमेंटर पवन भारद्वाज वेलकम्स यू। नाउ दिस इज जेई मेंस एमसीक्यू मैथ सीरीज। हियर आई एम सॉल्विंग 26 फरवरी 2021 शिफ्ट वन, दैट इज मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर्स। ऑलरेडी मैंने इसमें मेरा पहला पार्ट वन वीडियो आ चुका है, होप आपको अच्छा लगा होगा। अब ये मेरा पार्ट टू है, सेकेंड वीडियो बेस्ड ऑन द सेम जेई मेंस क्वेश्चंस। स्टूडेंट, आपको स्क्रीन पे सम दिख रहा होगा। समेशन एन इज इक्वल टू 1 से 100 तक इंटीग्रेशन n-1 e^(x-) इंटीजर फंक्शन dx, राइट। नाउ स्टूडेंट, अगर सपोज n का वैल्यू 1 हुआ तो 1-1 0, 0 to 1 e^(x-) इंटीजर फंक्शन dx। देन n का वैल्यू 2 हुआ तो 2 minus 1 1 वेट अ मिनट, टू माइनस वन 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 से टू e^(x-) इंटीजर फंक्शन dx। नाउ स्टूडेंट, दिस विल गोज ऑन, इट विल बी 99। सपोज n का वैल्यू 100, तो 99 to 100 e^(x-) इंटीजर फंक्शन dx। नाउ वी हैव प्रॉपर्टी इन डेफिनेट इंटीग्रेशन, इफ इट इज a टू b तो यू कैन राइट a टू c एंड c टू b, तो सेम वे हियर वी कैन राइट 0 to 100 e^(x-) इंटीजर फंक्शन dx। नाउ हाउ टू सॉल्व। नाउ स्टूडेंट, दिस इज वन प्रॉपर्टी इन इंटीग्रेशन। What property says that? The property says that if it is 0 to n into t, 0 to n into t, fx dx, 0 to n into t, what is t? The period of the function. If it is 0 to n into t, then n times 0 to t fx dx। मतलब अगर किसी फंक्शन का पीरियड t है और ऊपर यू कैन एबल टू एक्सप्रेस दैट अपर लिमिट इज n टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड, देन इट इज n टाइम्स ऑफ 0 से t fx dx। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे इसका टाइम मतलब इसका पीरियड मालूम होना चाहिए। व्हाट इज दिस इज x माइनस, अब यहां पे ध्यान से देखो, वॉट इज एक्स माइनस इंटीजर फंक्शन, सब जानते हैं, इट इज इक्वल टू फ्रैक्शनल फंक्शन। और फ्रैक्शनल फंक्शन का पीरियड क्या होता है? आई थिंक आपको मालूम होगा, फ्रैक्शनल फंक्शन का पीरियड 1 होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 to 100 into 1 e^(x-) इंटीजर फंक्शन। तो बाय दिस प्रॉपर्टी, अबव प्रॉपर्टी, हम लोग क्या लिख पाएंगे? एक मिनट, क्या लिख पाएंगे हम लोग? 100 times of 0 to 1 e^(x-) इंटीजर फंक्शन dx। नाउ दिस इज 100। अब x का वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 0 to 1। अब 0 to 1 में इंटीजर फंक्शन क्या देता है? अगर इनपुट 0 to 1 में कुछ भी इनपुट डालो तो इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? एग्जाम्पल ले लो, सपोज मैंने बोला 0.8, तो ओडी इंटीजर फंक्शन 0.8 0, तो ऑब्वियसली e^(x) लिखना पड़ेगा। चलिए यहां पे लिखता हूं आगे। अब स्टूडेंट, 100 टाइम्स e^(x) का इंटीग्रेशन e^(x) 0 to 1, तो आंसर हो जाएगा 100 e^(1-e^0, सो आंसर इज 100 e-1 ऑप्शन
वन, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, देखो ये वाला प्रॉपर्टी, ये आपको ये प्रॉपर्टी मालूम होना बहुत जरूरी है। और दूसरा, हर समय फ्रैक्शनल फंक्शन का पीरियड क्या होता है? वन। ये दो चीजें आपको मालूम होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स। नाउ देयर थ्री प्लेन्स, P1, P2, P3, राइट। प्लेन P1 का डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या है? 3। वेट अ मिनट, प्लेन P1 का डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या है? 3 माइनस 15, 21। आपको मालूम है प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होता है? AX प्लस BY प्लस CZ इज इक्वल टू D। व्हाट इज ABC डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल? इफ दिस इज अ प्लेन देन दिस इज नॉर्मल, तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। अच्छा, प्लेन P2 का डायरेक्शन रेशियो क्या है? 4 माइनस 20 और 21। और प्लेन P3 का डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या है? 2 माइनस 10 और 14। अब पूछा है कौन कौन से प्लेन आपस में पैरेलल। नाउ स्टूडेंट, सपोज अगर मैंने बोला टू प्लेन्स आर पैरेलल, सपोज एक प्लेन बनाया, ये मैंने दूसरा प्लेन बनाया, तो ये इसका नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल। इफ प्लेन्स आर पैरेलल, नॉर्मल आल्सो विल बी पैरेलल, दोनों मतलब लाइन। तो मतलब दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपस में क्या रहना चाहिए? प्रोपोर्शनल। तो आइए पहले P1 और P2 का देखते हैं। चलिए P1 P2 का क्या डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है? 3/4। देखो दूसरा क्या है, माइनस 15 अपॉन माइनस 20, तो 5, 3 टाइम्स 5, 4 टाइम्स। और तीसरा क्या है, 21 अपॉन 21, नहीं 3/4, 3/4, तो 1 आया। यस, तो P1 P2 के रेशियोज प्रोपोर्शनल नहीं है, मतलब दे आर नॉट पैरेलल। अब आइए P2 एंड P3 का देखते हैं। तो 4 अपॉन 2 मतलब 2, माइनस 20 अपॉन माइनस 10 वो भी 2, राइट। लेकिन 21 अपॉन 14 तो 7, 3 टाइम्स 7, 2 टाइम्स। यस, क्या ये प्रोपोर्शनल है? ये दो तो डेटा बराबर है, ये तो नहीं है। तो मतलब P2 और P3 भी प्रोपोर्शनल, सॉरी P2 और P3 पैरेलल नहीं है। अब स्टूडेंट हम लोग P1 एंड P3 देखते हैं, चेक करो। 3/2, यस 3/2, माइनस 15 अपॉन माइनस 10, तो माइनस 15 अपॉन माइनस 10 क्या होता है स्टूडेंट? वही 3/2, राइट है। एंड 21 अपॉन 14, तो वो भी 3/2, यस। डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल, तो A1 अपॉन A2, देखो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल C1 अपॉन C2, यस। व्हिच इज दैट? P1 एंड P3, तो यस दे आर पैरेलल, राइट, फॉर सिंपल समय, राइट। तो P1 एंड P3 दे आर पैरेलल प्लेन्स। P2 P3 नहीं, ऑल 3 नहीं, P1 P3 नहीं। सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, ये तो हमने सीखा कि डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल रहेंगे तो प्लेन्स पैरेलल है, और डायरेक्शन रेशियो और करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई किया लाइक A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0, देन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। आइए स्टूडेंट, नाउ न्यूमेरिकल टाइप एक क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन देखिए, 0 से पाए मॉडुलस ऑफ साइन 2x। अब स्टूडेंट, अगर इसको अपने ग्राफ से किया तो भी चल सकता है, और इसको अपने अगर एलजेब्रा मेथड से किया, जैसे कैलकुलस मेथड से किया, तो भी चल सकता है। आइए पहले ग्राफ देख लेते हैं। जीरो, हम जानते हैं 45 रहेगा, 2 × 45 = 90, तो राइट, तो ये पाई बाय 4 ले लेते, ये पाई बाय 2 ले लेते। हम जानते हैं साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? 2π, तो साइन 2x का क्या हो जाएगा? ध्यान रखो, साइन एक्स का पीरियड अगर 2π है, तो साइन 2x का, ध्यान रखना लॉजिक, 2 है, 2π अपॉन दिस 2π, मतलब दिस साइन 2x विल कंप्लीट वन ऑसिलेशन मच अर्लियर देन कंपेयर टू साइन 2x।
तो पाई बाय फोर पाई बाय टू फोर्टी फोर्टी फाइव हो रहा है, तो ये हो जाएगा थ्री पाई बाय फोर और ये हो जाएगा पाई, राइट। सपोज दिस इज माइनस एंड दिस इज वन। नाउ व्हेन एक्स इज जीरो साइन जीरो, व्हेन टू इंटू पाई बाय फोर फोर्टी फाइव इट इज वन, तो चलिए ऐसा वन। व्हेन इट इज पाई बाय टू, टू इंटू पाई बाय टू साइन पाई जीरो, टू इंटू थ्री पाई बाय फोर थ्री पाई बाय टू साइन पाई इज माइनस वन, मतलब ग्राफ नीचे आएगा, ऐसा आएगा ना ग्राफ, देखो मतलब ग्राफ ऐसा आना चाहिए, राइट, बिकॉज दिस इज माइनस वन, ग्राफ ऐसा आना चाहिए। नहीं, ग्राफ ऐसा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मॉडल इज फंक्शन है, तो मतलब अब ये ग्राफ ऊपर आ जाएगा, मतलब ग्राफ ऐसा आएगा, साइन पाई टू पाई विल बी जीरो, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो जीरो टू पाई, ये देखो मैंने ग्राफ बना लिया, तो जीरो टू पाई ये ग्राफ है, बराबर। एक ये आपस में सिमेट्रिकल है, यस। तो अगर आपने जीरो टू पाई बाय टू एरिया फाइंड कर दिया तो उसका डबल कर देना, तो जीरो से पाई आ जाएगा, राइट। तो जीरो से पाई बाय टू डबल कर दिया, अब मॉडुलस ऑफ साइन टू एक्स, तो जीरो से पाई बाय टू ऑब्वियसली आपको दिख रहा है, जीरो से पाई बाय टू ग्राफ आपको ऊपर दिख रहा है, मतलब पॉजिटिव ही है, टेंशन नहीं हमको, तो साइन टू एक्स लिख दिया। मॉडुलस ऑफ एक्स इज एक्स इफ इनपुट, अगर आपने एक्स जो भी आपने डाला आउटपुट पॉजिटिव ही आने वाला है। अगर जीरो से पाई बाय टू आप देख सकते हो ग्राफ ऊपर की तरफ है, मतलब जो वैल्यू है एफ एक्स है वो पॉजिटिव आने वाला है, तो जीरो से पाई बाय टू साइन टू एक्स डी एक्स। नाउ स्टूडेंट क्या होता है, माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू, जीरो से पाई बाय टू, टू एंड टू कैंसिल, इफ यू वॉन्ट यू कैन कीप माइनस आउटसाइड। नाउ टू इंटू पाई बाय टू कॉस पाई, माइनस 2 into 0 cos 0, what is cos pi, minus 1 cos 0 1, the answer is minus 1 into minus 2, the answer is 2, yes, मैं यहाँ पे आंसर भी लिख के दे दिया, देखिए न्यूमेरिकल आंसर, आंसर इज 2, ये ग्राफ से, जरूरत ही नहीं बाकी कुछ चीजों का, तो जल्दी हो जाएगा, राइट। तो कम फॉर क्वेश्चन नंबर 8, they have given x cube minus 2x square plus 2x minus 1 is equal to 0. Okay. If I take like this, x cube minus 1 minus 2x square plus 2x is equal to 0. Chaliye solve karte hain. X cube minus 1 cube ko we can say a minus b, 1 को 1 क्यूब बोल सकते, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट, माइनस 2x कॉमन, तो x माइनस 1, देखो राइट है, ठीक है। सो हियर वी हैव x माइनस 1 कॉमन, सो वी विल हैव x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जैसे दिस गिवन इक्वेशन हैज रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा, तो एक x इज इक्वल टू 1 आ गया, चलिए मतलब अल्फा का वैल्यू तो 1 आ गया, ठीक है, बढ़िया। अब सुन, आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको नॉलेज रखना पड़ेगा कि अगर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको आंसर आता है, x का वैल्यू क्या आता है, माइनस वन प्लस माइनस आई रूट थ्री अपॉन टू, ये आपने पढ़ा हुआ है ओमेगा में, राइट, जिसको आप एक रूट को इसलिए आप ओमेगा बोलते हो और एक को ओमेगा स्क्वायर बोलते हो। तो सेम वे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो सॉल्व किया तो x का वैल्यू आ जाएगा वन प्लस माइनस आई रूट थ्री अपॉन टू। तो यहाँ पे आप ना जो दो रूट से हो उसमें बोल सकते हो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, अब चेक कर लेना, राइट ना, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है ना रूट्स,
तो माइनस ओमेगा स्क्वायर करना, देखो इसके दो रूट्स बन जाएंगे जो है, ये ध्यान रखना ठीक है। तो मतलब इसको हम बीटा बोल सकते हैं और इसको हम गामा, राइट। तो अल्फा कितना आ गया 1, तो आइए भी कैलकुलेशन करते हैं। क्या चाहिए हमको, अल्फा रेज टू 162, देखो यहाँ पे देखो अल्फा रेज टू 162 मतलब 1 रेज टू 162 ही आएगा। फिर यहाँ पे क्या देखिए स्टूडेंट, बीटा बीटा रेज टू 162, देखो यहाँ पे मैंने बीटा रेज टू, देखो देखो बीटा रेज टू 162, तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा रेज टू 162, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू 162, तो ये आ जाएगा सिंस इट इज अ इवन नंबर तो प्लस ही रहेगा ओमेगा रेज टू 162, इवन नंबर है प्लस ही रहेगा, ओमेगा रेज टू कितना हो जाएगा 2 2 4 16 2 32 324, राइट। अब 162 चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा, अब देखिए 162 को अब 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर देखिए क्या आता है 3 5 15 12, 3 × 4 टाइम्स, बराबर है बराबर, राइट। तो ये रिमाइंडर 12 ना, तो रिमाइंडर 0 आया, तो यहाँ पे 0 लिख देने का शॉर्टकट। अब 324 को अगर डिवाइड करने का है तो देखिए वो भी डिवाइड हो जाएगा 3 1 टाइम्स, राइट ना, और आई थिंक 3 2 0 तो 0 टाइम्स, 4 तो 8 टाइम्स, तो आंसर 0 आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है ओमेगा रेस्ट, ये भी 0 डिविजिबल है, बराबर है, तो 1 + 1 + 1 आंसर इज 3, यस न्यूमेरिकल आंसर इज 3, राइट। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, अंदर उसके अंदर है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 2। आइए पहले कॉन्सेप्ट समझो, सपोज अगर आपको मैंने बोला y इज इक्वल टू x माइनस 3 ग्राफ है, तो इसका सिंपल ग्राफ कैसे बनता है, वेट अ मिनट, वेट, अगर आपको मैंने बोला y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3, तो उसका ग्राफ कैसे बनता है देखिए, ये 3 है तो ये और ये, ध्यान रखिए। अगर मैंने आपको बोला y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1, तो ये तो x का वैल्यू माइनस 1, तो ये ग्राफ ऐसा, एक ग्राफ ऐसा, एक ग्राफ स्केच ज्यादा बन सकता है, ठीक है ना। अब आप लोग सर ये एग्जैक्ट पॉइंट अगर जरूरत है तो वो भी फाइंड कर सकते हैं, फिलहाल ये बताओ रफ स्केच के लिए ऐसा बन सकता है, ठीक है। आइए इरेज कर देते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सर। y is equal to modulus of x minus 1 minus 2. Now student, suppose x is greater than 1 and x is less than 1. Why? Because ये critical point है. तो assume करो अगर x greater than 1 है, तो modulus of x minus 1 will remain x minus 1. आप जानते हो. तो x minus 1 minus 2. तो it will be modulus of x minus 3. And this will be, अगर x is less than 1, तो in place of x minus 1, you will be writing, what? You will be writing 1 minus x minus 2. तो 1 minus x minus 2, तो minus x minus 1. तो modulus, modulus of minus x minus 1, which is same as modulus of x plus 1. ठीक है. Now, इसमें आइए ग्राफ देखते हैं. Suppose this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, and this is minus 1. Now student, modulus of x minus 3, तो हमने क्या सीखा है? x minus 3 पे जाने का,
चलिए मैंने बना लिया, अब बोलोगे ये भी बनाएंगे, कहां तक जाएंगे? लेकिन ये कंडीशन देखो, x इज मोर देन वन, मतलब x इज मोर देन वन मतलब आप इस तरफ नहीं आ सकते अपना ग्राफ, तो आपका ग्राफ यहां से खाली यहां तक ही जाएगा, बराबर, क्योंकि कंडीशन क्या है, x वन से ज्यादा है, तो बस हो गया खत्म। अब ये क्या है, x प्लस वन मतलब माइनस वन के ग्राफ, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, देखो आपको बताया मैंने ऐसा आएगा, दूसरा ऐसा आएगा, लेकिन क्या बोला, x इज लेस देन वन मतलब ये सिर्फ यहां तक ही जाएगा, ये रहा बराबर, सिर्फ यहां तक ही जाएगा, मतलब ये पॉइंट क्या है, x का वैल्यू यहां पे 1 है ना, राइट। अब स्टूडेंट ये पॉइंट मुझे अगर ढूंढना है तो या तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अगर x का वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 2, 2 का मॉडुलस 2, और 1 माइनस 3 माइनस 2 तो भी 2 है, मतलब ये आ गया 1 कॉमा 2। अब क्या बोला है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द x एक्सिस, तो अभी आपको दिख रहा है ये तो अनबाउंडेड है, ये भी अनबाउंडेड है, तो खाली बाउंडेड यही है। अब सोच रहे हैं कि कर्व, ये जो लाइन मैंने बनाया वो यहां पे स्टॉप क्यों कर दिया, क्यों, क्योंकि x इज मोर देन 1 बस, और ये ऐसा जाएगा, ये लाइन मैंने यहां पे क्यों स्टॉप कर दिया, क्योंकि x इज लेस देन 1। अब ये जो मैं नाम दे रहा हूं a, ये b और ये c, इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस, बेस क्या है, तो यहां से o से लेके c तक कितना यूनिट्स हो गया, 1 1 1 मतलब 3 यूनिट्स, और ये -1 नहीं, डिस्टेंस लेना है, तो 1 तो 3 प्लस 1 4, तो बेस 4 हो गया, और हाइट ये रहा, तो यहां पे यहां से यहां तक कितना है, वाई कोऑर्डिनेट 2 है, तो ले लेंगे 2 2 2 गया, तो एरिया इज 4, समझा स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट ये ग्राफ समझना है, ठीक है।